हो गया प्रूफ, अवैसी है भाजपा के एजेंट। अगर ऐसा नहीं है तो अवैसी क्यों नहीं उठाते मुसलमानों का ये मुद्दा? इस रिपोर्ट ने कर दिया अवैसी के चाल का पर्दाफाश। क्या ऐसे ही मुसलमानों को एकजुट करते रहेंगे अवैसी? क्या लगातार हो पाएंगे इस चाल पे सक्षम? तो आइए आज हम आपको बताते हैं पूरी सच्चाई। इस रिपोर्ट में हम लोग मिलकर करेंगे अवैसी के चाल का खुलासा। तो नमस्कार, आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट। मैं पुरुषोत्तम, मैं व्योम, आज आपको ये रिपोर्ट दिखाऊंगा और बताऊंगा कि क्या है अवैसी का ये नया चाल। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अवैसी भाजपा के एजेंट है, अवैसी को भाजपा का बी एजेंट भी कहा जाता है। बिल्कुल, बी टीम कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की क्या सच्चाई है, आज उसको हम आपके सामने लेकर रखने आए हुए हैं। बिल्कुल, हमारे साथी व्योम जी और हमने बहुत सारा रिसर्च किया, पढ़ाई की, और उसके बाद हमारे हाथ ऐसी रिपोर्ट लगी जिससे यह साफ साबित होता है कि अवैसी वास्तव में बीटी में भाजपा के एजेंट है। आपको भी सुनकर यह आश्चर्य हो रहा होगा कि हम क्यों अवैसी को भाजपा का बी टीम कह रहे हैं। बिहार में जिस तरह से चुनाव हुआ है और चुनाव में जिस तरह से वोट मार्जिन आपने देखा है, वोट को काटा गया है, मुसलमान वोट 12,000 से लगभग अधिक वोट बिल्कुल अवैसी के खाते में गया है। तो वो जो वोट अवैसी के खाते में गया है, मुसलमान गोलबंद हो रहे हैं, ये सच्चाई है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई जो गोलबंद जो हो रहे हैं ना, हाँ, वो गोलबंद हो रहे हैं इनके बयान के कारण। इनके बयान से लगता है मुसलमानों को कि वो हमारा एकमात्र नेता है अवैसी। लेकिन उनके पीछे सच्चाई क्या है जो आज हम बताने वाले इस रिपोर्ट में, आप देखते रहिए अंत तक, आपको पता चल जाएगा पूरा खुलासा कि वाकई में मुसलमानों के लिए सही है अवैसी या फिर भाजपा के बीच टीम की तरह काम कर रहे हो वैसे। तो जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, उस रिपोर्ट का नाम है रंगनाथ मिश्रा कमीशन। यह रिपोर्ट 2007 में रंगनाथ मिश्रा कमीशन जब गठन हुआ था उस समय लाया गया था। रंगनाथ मिश्रा कमीशन में सरकार से यह मांग की गई कि मुसलमानों को आर्थिक सामाजिक रूप से जो कमजोर हैं उनके लिए 10% का आरक्षण रखा जाए। लेकिन अभी तक इस रिपोर्ट के आने के बाद, सरकार के पास मांग करने के बाद, आज तक इस रिपोर्ट पर कोई पहल नहीं की गई, कोई सुनवाई नहीं की गई। अगर वास्तव में अवैसी मुसलमानों के मसीहा है तो 2007 में जिस रिपोर्ट ये इस कमीशन को लाया गया था उस पर क्या उन्होंने आज तक कुछ बोला? नहीं, अगर ये लगता है अवैसी की बात हम अभी थोड़ा दरकिनार करें, कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस के उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और मनमोहन सिंह लगातार 3 साल तक इस कमेटी को दबा करके रखे हैं। और उसके बाद क्या अवैसी आए तो कभी कहे हैं उन्होंने, कभी उन्होंने विरोध किया है? अगर भाजपा के विरोध में आप जाते हैं तो कभी भाजपा के विरोध में यह कहा है कि मुसलमानों की जो आर्थिक और जो सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं, जिनके लिए बात किया गया था रंगनाथ मिश्रा कमीशन में स्ट्रक्चर कमेटी के बाद, उसका क्या इन्होंने कभी जिक्र किया किसी स्टेज से? नहीं, आज तक तो नहीं हुआ। नहीं, लेकिन ये करते क्या है, ये हिंदुओं के विपक्ष में बयान देंगे जिससे मुसलमान एकजुट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये वोट बैंक की राजनीति है। और अवैसी पहले अपने हैदराबाद में करते थे, अब ये व्यापक पैमाने पर पूरे भारत में कर रहे हैं। इनको तो एजेंट के तौर पे भाजपा ने रख लिया हुआ है। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं इसको? देखिए, इसमें एक दो तीन चीज जो समझने की है, जो मैं आप लोगों को भी समझाना चाहूंगा। रंगनाथ मिश्रा कमीशन जब ये रिपोर्ट को लाया गया था और इसमें सरकार से मांग की गई थी कि मुसलमानों को भी 10% जो है आरक्षण देना चाहिए, लेकिन आज तक इस रिपोर्ट का क्या हुआ? इसमें साफ तौर पे अगर मुसलमानों के मसीहा अवैसी हैं तो कभी उन्होंने क्या कोई बयान दिया? नहीं दिया। रंगनाथ मिश्रा कमीशन जो है मुसलमानों के हित की बात की थी और अवैसी ने आज तक इस पर कोई मुद्दा किसी भी तरह का बयान नहीं दिया। अभी ये कहा कि भाजपा के विपक्ष में मुसलमानों को एकजुट हो, रंगनाथ मिश्रा कमीशन मांगा जाए, कभी ये नहीं कहा? ये नहीं कहा। अब देखिए दूसरी चीज, हिंदुओं के हृदय सम्राट तो बहुत सारे नेता हैं, तो उन्होंने हिंदुओं के लिए जो सामान्य जाति के लोग हैं जो भी हैं उनके लिए तो 10% आरक्षण ला दिया EWS। बिल्कुल। तो फिर अगर आप मुसलमानों के मसीहा हैं, मुसलमानों के आप शुभचिंतक हैं, मुसलमान ही आपके हैं, तो फिर आपने रंगनाथ मिश्रा कमीशन जैसे रिपोर्ट पर आज तक कोई बयान क्यों नहीं दिया? ये बहुत बड़ा सवाल है व्योम जी। ये तो साबित भी अवैसी करते हैं मुस्लिमों के, और इससे साफ साबित होता है कि अवैसी जो है भाजपा के बी एजेंट हैं, क्योंकि वो एक तरफ हिंदू वोटरों से मुसलमान वोट को काट रहे हैं और मुसलमान वोट को एकजुट कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों की हक की बात नहीं कर रहे हैं। क्या है
पूरा मामला जब आप समझिएगा तब समझ में आएगा। जब मोदी जी सरकार में आए तो ऐसा कहा गया कि हिंदुओं का सरकार होगा, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जोगी जी आए हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो ये क्या हुआ, हिंदू राष्ट्र का जब विपक्ष जब प्रचार कर दिया कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो अब तो उनको मुसलमान वोट मिलने से रहा, तो वो कहे क्या कि अगर मुसलमान वोट विपक्ष के साथ चला जाता है तो विपक्ष सरकार बना लेगी। तो वो क्या किए कि अपने बी टीम के तौर पे ओवैसी को खड़ा कर दिए। अच्छा। और उन्होंने कहा कि आप हिंदुओं को विरोध में बोलिए। हाँ। ओवैसी को देखिएगा, ओवैसी को नहीं सरकार बनाना, नहीं कहीं जीतना है, ओवैसी को सिर्फ क्या करना है, गोलबंद करना है, मुस्लिम वोट को विपक्ष के तरफ से मोबिलाइज करा देना, एकजुट कर लेना, एकजुट करके अपने तरफ खींच ले। तो ये वोट बैंक की जो राजनीति है, जिस तरह मुसलमानों को वोट के नाम पर, एक कम्युनिटी के नाम पे कि आप भाई मुसलमान है एक तरफ हो जाइए, तो क्या ये ओवैसी कितना दिन कर पाएंगे? अब तो धीरे धीरे लोग भी समझ रहे हैं ना, लोग भी धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। देखिए ओवैसी पहले हैदराबाद में थे, ओवैसी भी अपना जब देखे इस तरीके का बात, जब भाजपा देखी कि हम बहुत राज्यों में पिछड़ रहे हैं तो उस राज्यों में उन्होंने भेज दिया ओवैसी को। बिहार देख लीजिए, बिहार में ओवैसी एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि अगर ओवैसी से ज्यादा हितैषी रंगनाथ मिश्रा जो कमीशन था, जिसके रिपोर्ट पर के संसद भवन में जमकर के हंगामा करने वाले उस समय मुलायम सिंह यादव जी, यादव जो अब नहीं रहे, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने, तो क्या ओवैसी से बड़ा नेता मुसलमानों का तो वो थे जो मुसलमानों को उनका हक दिलाने का बात करते थे। तो ओवैसी आज उनका हक दिलाने में नाकामयाब दिख रहे हैं, क्योंकि जब रंगनाथ मिश्रा कमीशन की बात हुई थी, जब मनमोहन सिंह ने उसको दबा दिया था, तो वही एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पेपर को पूरा लहरा करके रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जिसमें बात थी उसको दिखा करके और संसद में हंगामा तक कर दिया था कि मुसलमानों की उनकी जो है इस पे विचार किया जाए, मुसलमानों को हक दिया जाए। लेकिन क्या ओवैसी अगर है मुसलमान के नेता, कहते हैं कि मैं मुस्लिम पक्ष का हूं, तो आज तक रंगनाथ मिश्रा कमीशन पे क्या बात की है? नहीं, बिल्कुल नहीं की है। अगर आपको भी जानकारी नहीं हो ओवैसी जी रंगनाथ मिश्रा कमीशन के बारे में, तो एक बार गूगल करिए, और मैं सभी मुसलमानों से जो अल्पसंख्यक है मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी एक बार रंगनाथ मिश्रा कमीशन पढ़े और इस तरीके के भड़कावे में ना आए। ओवैसी जो है वो ये चाल देख के लग रहा है कि ओवैसी भाजपा के बी टीम के तौर पे मुस्लिम वोट को गोलबंद करके विपक्ष में ना जाए उसके तौर पे वो काम कर रहे हैं, हर जगह काम कर रहे हैं, और साफ तौर पे कहीं ना कहीं ये भाजपा को फायदा है ओवैसी के इस चाल से। बिल्कुल, जैसा कि बिहार की राजनीति में हम आ जाते हैं। हाँ। अभी गोपालगंज में जो चुनाव हुआ था, और ओवैसी के जो कैंडिडेट थे, उनके पार्टी IMIM के जो कैंडिडेट थे, उन्होंने जिस तरह से वोट को काटा, उससे क्या हुआ जो विपक्ष थे, जो विपक्ष थी 1200 वोटों से हार गई। बिल्कुल, और भाजपा को इसका परिणाम मिला, फायदा मिला। इसी तरह से अब जैसे फिर उपचुनाव हो रहा है, कुडनी में उपचुनाव हो रहा है, तो हर जगह ओवैसी को इसी के लिए खड़ा किया जा रहा है। मुसलमानों के जो शुभचिंतक हितैषी मसीहा बनकर ओवैसी घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मुसलमानों को भी एहसास हो जाएगा कि ये बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश से रची गई हुई है, सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का, मुस्लिम को एक तरफ और हिंदू को अलग करने का। सेकुलरिज्म की बात करने वाले, सर्वधर्म संभव की बात करने वाले, हिंदू मुस्लिम को एक साथ लेकर चलने वाले, इसमें साफ तौर पे ओवैसी कांटा बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर मुसलमानों से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि हिंदू के विपक्ष में जाने वाला नेता अगर आपका नेता है, तो कृपया उसके जड़ तक जाइए। रंगनाथ मिश्रा कमीशन के रिपोर्ट को पढ़िए, आपके हित की बात करने वाला वो कमीशन 2007 से ठंडे बक्से में पड़ा हुआ है, और किसी ने आज तक उस पर कोई सवाल, कोई आंदोलन, कोई बयान आज तक किसी ने नहीं दिया। नहीं, अगर है ओवैसी मुसलमानों की मसीहा, तो बैठ जाए जाके अनशन पे और कहे कि जब तक रंगनाथ मिश्रा कमीशन पास ना हो जाए मैं अनशन पे। अरे आज तक तो ओवैसी ने ये भी नहीं खोजा कि रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट का क्या हुआ। ये भी एक बात है कि ओवैसी को इतना जानकारी भी नहीं, कहीं नहीं हो रंगनाथ मिश्रा कमीशन का, ये भी तो हो सकता है बात। तो सिर्फ बिहार में जितने जगह उपचुनाव हो रहे हैं वहां कैंडिडेट खड़ा करके वोट काट लेने से वो मुसलमानों के मसीहा हो जाएंगे? देखिए, वो वोट काटने ही के लिए आए ही हैं, भड़काऊ बयान देंगे, और भड़काऊ बयान देने से मुसलमानों को लगता है कि हमारे हित की बात कर रहे हैं। जैसे उन्होंने यूपी में बयान दिया था कि मोदी जी के चले जाने के बाद, जोगी जी चले जाएंगे, मोदी जी चले जाएंगे, उसके बाद जाएंगे कहां हिंदुओं, तो मुसलमानों को लगा कि हमारे हित की बात कर रहे हैं, और उससे वो वोट देते हैं उनको गोलबंद होके। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके लिए घातक साबित
होने वाला है, हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि वास्तव में रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जो रिपोर्ट थी, जो इस कमीशन का जब गठन किया गया था, तो उसमें साफ तौर पे जब आप उसको पढ़े होंगे व्योम जी, तो आपने देखा होगा कि मुसलमानों के हित की बात की गई है, उनके हक की बात की गई है, अल्पसंख्यकों की आरक्षण की बात की, और उसमें भी कहा गया कि 10% खीर पर सिर्फ मुसलमानों को देने जाए। मतलब ये मैं जो भी हमारे दर्शक जो देख रहे हैं हमको, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि एक बार आप रंगनाथ मिश्रा कमीशन और स्ट्रक्चर कमीशन कमिटी की रिपोर्ट जरूर पढ़ें। लेकिन जब मैं आज आपके सामने ये बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन के रिपोर्ट को मुसलमान भाइयों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि उसके अंदर में क्या है। अगर आप उसको नहीं पढ़ते, नहीं जानते हैं, तो फिर क्यों आप अवैश्य को वोट दे रहे हैं। और ये बिहार के उन भाइयों से मैं भी कहना चाहूंगा कि जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं, AIMIM के जो है कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, और वहां आप लगातार जो है वोट करके और एकजुट हो रहे हैं, आप हिंदू वोटरों को एक साइड मोबिलाइज कर दे रहे हैं, मुस्लिम को एक साइड कर दे रहे हैं, इससे किसका फायदा हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ अवैश्य का फायदा हो रहा है, और इसके पीछे बहुत बड़ा फायदा भाजपा का हो रहा है। तो आप रंगनाथ मिश्रा कमीशन के उस रिपोर्ट को पढ़िए, और फिर जानिए कि आपका जो मसीहा है, क्या वास्तव में आपका मसीहा है, क्या वो आपके हित की बात करता है। अगर ऐसा है, बयान पे ना जाए प्लीज। हाँ, मैं सभी मुसलमान भाइयों से आग्रह करूंगा कि भारत है सर्वधर्म संभव की बात होती है, करती है, तो कृपया उनके भड़काऊ भाषण पे जाके एकजुट ना हो। अगर आपके हित की बात वाकई में वो करते हैं तो आप एकजुट हो, नहीं तो फिर आप कहीं ना कहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर हमने आज आपको साबित कर दिया कि ये भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि अवैसी जी भाजपा के एजेंट नहीं है, तो कमेंट में कोई ऐसा क्लिप चला करके दिखाएं, भेजें, जिससे हमें पता चले कि वास्तव में अवैसी रंगनाथ मिश्रा कमीशन को लेकर के काफी एक्टिव और काफी कंसेस हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन फिलहाल हमने साबित कर दिया बिल्कुल कि भाजपा के बी टीम की तौर पे, भाजपा के एजेंट के तौर पे अवैसी काम कर रहे हैं। तब तक के लिए देखते रहिए फाइनल पोस्ट, हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।